नए ट्रेड के लिहाज से ब्रिजेश, एचसीसी और वक्रांगी, ये दोनों आपको कैसे लग रहे हैं? वक्रांगी की अगर हम बात करते तो नो डाउट स्टॉक जो है कल के सत्र में एक नया 52 वीक टॉप भी बनाया, 303 के आसपास में और 299 के आसपास में बंद हुआ है। अच्छा मोमेंटम बरकरार है, 270 से जो रैली पकड़ी हुई है अभी भी विद वॉल्यूम के संग में अपवर्ड ही ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना यह है कि 290 नीचे में अच्छा सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें और एक नए जोन में ये एंटर करने की कोशिश कर रहा है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से 315 का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा और अगर 315 को डिसाइसिवली क्रॉस करता है तो नेक्स्ट लेवल वुड बी 340। रही बात रेन इंडस्ट्री की, अगर हम बात करते हैं तो कल के सत्र में भी इसने एक नया एक टॉप बनाया था 6580 के आसपास का, उसी के आसपास में क्लोज हुआ है। इमीडिएट बेसिस पे 62 रुपये का अच्छा सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक नहीं होता है तो रैली कैन बी एक्सटेंडेड टू 68 फॉलोड बाय 72। ठीक है, तो शेयर से आप नजर रखें, लेकिन इस बीच आज का टुडे ट्रेड कौन सा है वो देख लेते हैं। से समझते हैं आज का टुडे ट्रेड। शुक्रिया डिम्पी, आज का टुडे ट्रेड जो है वो बजट एज अ थीम को ध्यान में रखते हुए, अर्निंग्स को ध्यान में रखते हुए और टेक्निकल मोमेंटम को ध्यान में रखते हुए पिक किया गया है और स्टॉक रहेगा एजुकेशन स्पेस से एमटी एडुकेयर। इस स्टॉक को आप इंट्राडे और पोजिशनल दोनों नजरिए से देख सकते हैं। 142 के टारगेट्स दिए जा रहे हैं, 127 का स्टॉप लॉस और सबसे पहली वजह तो इसको पिक करने के पीछे यही है कि बजट से पहले वाइब्रेंसी जो है वो ऑलरेडी रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो गई है एजुकेशन स्पेस में। एजुकेशन स्पेस के स्टॉक चल रहे हैं, आप इसी स्टॉक को अगर देखेंगे कल के सत्र में तो अंतिम सत्र में जोरदार ट्रेडिंग वॉल्यूम्स स्टॉक में देखे गए थे जिसके बाद ये 4.5% से ज्यादा की गेंस के साथ क्लोज हुआ था। 128 इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था जिसको पार करने में से दिक्कत हो रही थी, उस लेवल को इसने कल के सेशन में क्रॉस किया है, उसके ऊपर इसने क्लोजिंग भी दी है, तो काफी पॉसिबिलिटी है कि कल का अपमूव जो स्पेशली आखिरी के आधे घंटे में बना था वो यहां से स्ट्रेच होता हुआ दिख सकता है क्योंकि सपोर्ट आया है वॉल्यूम्स का। वॉल्यूम्स जो थे वो बेहद स्ट्रांग रहे हैं और अगर आप डिलीवरी वॉल्यूम्स देखेंगे पिछले 5 सेशंस के तो वो भी मोर देन 50% यानी ऑलमोस्ट 75% पर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें अर्निंग्स की तो पिछले 5 सालों से लगातार हम देख रहे हैं कि कंपनी ग्रो कर रही है, मुनाफे में एक अच्छा उछाल हमने आते हुए देखा है। डिजिटल बिजनेस जो है कंपनी का, जो डिजिटल एजुकेशन बिजनेस है, वहां से रेवेन्यूज जो है कंपनी के, उस पर रेवेन्यूज इंक्रीज करने पर कंपनी काफी फोकस कर रही है और ऐसी भी खबरें हैं कि इस साल फीस में भी इंक्रीज हो सकता है। तो फाइनेंशियल्स ठीक है, जो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन के साथ बाइंग आई है वो भी एक इंडिकेशन दे रही है कि अपमूव कंटिन्यू हो सकता है और बजट सेंसिटिव स्टॉक है, ये भी एक फैक्टर है इसको चुनने के पीछे। आज के लिए टुडे ट्रेड रहेगा एमटी एडुकेयर, 142 के टारगेट, 127 का स्टॉप लॉस, 142 रुपए का टारगेट के साथ इस शेयर पे आप नजर रख सकते हैं। थोड़ी देर में हम स्टॉक्स एंड न्यूज भी शुरू करेंगे जिसमें 3 अहम खबरों पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस पे एक्सपर्ट्स का व्यू क्या और खबर को विस्तार से जानेंगे। लेकिन इस बीच 2-3 शेयर देखिए सिमी आप, एक तो एडलवाइज और दूसरा है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, इन दोनों शेयर्स को देखिए क्या दोनों में कुछ पोजीशन रखनी चाहिए क्या, या BTST या फिर पोजीशन में 2-3 दिन के लिए रखना चाहता हूँ, एडलवाइस और एक इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग। एडलवाइस अच्छा लग रहा है, पहले मैं एडलवाइस के बारे में बात करूंगी। एडलवाइस अच्छा लग रहा है और जो मोमेंटम मिल रहा है वो मोमेंटम इसको और थोड़ा सा ऊपर ले जा सकता है। एक तो अच्छा फॉर्मेशन के साथ इसमें ब्रेकआउट 100 रुपया के ऊपर आया था, अभी 110 के आसपास है। अगर ये मोमेंटम मेंटेन कर सकता है तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये स्टॉक 122-124 का रेंज की पर भी जाएगा, पर वही इसका एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया होगा, वो क्रॉस करने के बाद इसमें फ्रेश मोमेंटम आ सकता है। तो पहले मैं ये कहूँगी कि 22 तक का टारगेट के लिए इसमें एंट्री ले सकते हैं। रहा सवाल इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स के, तो मैं ये कहूंगी कि इसमें मोमेंटम बहुत अच्छा है। 30 रुपया का टारगेट तो मिनिमम था और 30 रुपया का टारगेट हो सकता है कि 1-2 दिन में, अच्छा 29 के आसपास ही बंद हुआ था तो 30 तो हो सकता है कभी भी हो जाए। तो ये स्टॉक 30 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट देगा और उसके बाद इसमें एक नया मोमेंटम के साथ एक अच्छा रैली देखने को मिल सकता है जिसका नेक्स्ट टारगेट 40 के आसपास आ सकता है। अच्छा फॉर्मेशन है चार्ट में। और रहा सवाल इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, इसके साथ साथ मैं एक छोटा सा स्टॉक और रिकमेंड करूँगी, वो है इलेक्ट्रो स्टील स्टील्स। 3 रुपया के आसपास से चल के ये स्टॉक 6 रुपया के आसपास आ चुका है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे आने से ही एक्युमुलेट करना चाहिए। 5 रुपया के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, अगर वो सपोर्ट तक आता है तो एक्युमुलेट करना चाहिए जिसका टारगेट 8.5 से 9 का आ रहा है। ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म का कॉल है मेरा, डिलीवरी कॉल। इलेक्ट्रो स्टील का स्टॉक आपने पूछा है इसलिए मैंने इलेक्ट्रो स्टील का भी नाम ले लिया, मुझे ये स्टॉक भी अच्छा लग रहा है।